शनि किस कारण से संतान बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्या ऐसे कारण हो जाते हैं? देखिए, यदि जन्म कुंडली में शनि नीच के हों, यानी कि मेष राशि में विराजमान हो, पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालें, शनि की दृष्टि हर तरीके से शापित कही गई है, यदि इन्होंने पंचम भाव पर दृष्टि डाल दी तो संतान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी, जिसे पंचमेश भी कहते हैं, नीच के शनि से दृष्ट हो जाए, यानी पंचमेश के ऊपर नीच के शनि की दृष्टि हो जाए, तो शनि संतान होने में विलंब शत प्रतिशत करवा देते हैं। पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति, यानी वहां का कारक बृहस्पति, शुभ भावों में ना होने के कारण संतान होने में विलंब करते ही करते हैं। और एक कारण है, मजदूरों का हक मारने और किसी का पैसा जमीन जायदाद हड़पने में यदि आप लगे हैं तो शनि रुष्ट हो जाएंगे, संतान उत्पत्ति में शत प्रतिशत बाधा आएगी ही आएगी। तो शनि देव का कृपा पात्र बनिए, कोप का भाजन बिल्कुल ना बनिए। लग्न भाव पर नीच के शनि की दृष्टि होने से शनि सप्तम भाव में मेष राशि के अंदर विराजमान है और लग्न पर अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो जाएंगे, संतान होने में बाधा आएगी, आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, संतान फिर भी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण से शनिदेव रुष्ट भी हो जाते हैं।